हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डिफरेंस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं। दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि ट्वेल्थ के बाद आफ्टर ट्वेल्थ आपकी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में होती है? और ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश न आने की वजह से या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर कम मार्क्स आते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। और इतना पैसा खराब करने के बाद सिर्फ इंग्लिश की वजह से जो है वो बहुत निराश फील करते हैं। तो आज का वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले या फिर कॉमर्स वाले जिनका स्टडी या जिनका आगे जाने वाली जो पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, तो आप कैसे एग्जाम्स में लिखेंगे इंग्लिश में, आप कैसे इंग्लिश सीखेंगे और कैसे अच्छे से पढ़ाई करके आपको अच्छी जॉब मिलने वाली है। तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी फील्ड की बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, जब आपका 11th या 12th में सब्जेक्ट जो मैथ्स होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है, तो उसके बाद आपको पता है कि आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे हम बी बोलते हैं, एमई होता है, बीटेक होता है, एमटेक होता है, और भी ऐसे बहुत सारे डिप्लोमास होते हैं जो इंजीनियरिंग की फील्ड में होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक है। अब ये सारी की सारी जो इनकी स्टडी होती है, सारी की सारी जो पढ़ाई होती है दोस्तों, वो इंग्लिश में होती है। ऐसे मेरे कई दोस्त हैं या मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो आज मेरे पास कोचिंग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एग्जाम्स होती है वो इंग्लिश में होती है, उनकी जो बुक्स आती है वो इंग्लिश में आती है। दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम मेडिकल की बात करें, तो मेडिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी है, तो आपको भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्वेल्थ पास होने के बाद अगर आप एमबीबीएस करते हैं, अगर आप यू नो इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, पैथोलॉजी के डिप्लोमाज होते हैं, एमएस करते हैं या फिर यू नो नर्सिंग करते हैं, डेंटल कॉलेज के लिए आप जाते हैं, तो जितनी भी मेडिकल की आप पढ़ाई करेंगे, मेडिकल की जो टर्म्स होती है दोस्तों, पूरी की पूरी इंग्लिश में होती है। इसीलिए आज नहीं तो कल आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इस चीज़ की तैयारी आपको आज से चालू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बहुत सारी डिग्री होती है, डिग्रियां होती है जिनकी जो कंप्लीट एजुकेशन होती है वो इंग्लिश में होती है। दोस्तों, मैंने खुद ने भी एमबीए किया है। जब मैंने एमबीए किया तो एमबीए के एग्ज़ाम्स जो होते हैं दोस्तों, पूरे इंग्लिश में होते हैं। आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आपको कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप अपने टैलेंट को कॉपी में नहीं लिख सकते, अगर आप कॉपी में बता नहीं पाएंगे, तो फिर आपका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी खराब हो जाएगा। दोस्तों, मैंने ये सब्जेक्ट क्यों चुना, आपको ध्यान सुनना है। दोस्तों, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि सर, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद जब वो कॉलेज जाते हैं, मेडिकल में लेते हैं एडमिशन और कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ जाके उनको घबराहट सी होती है। जैसे बी फार्मेसी की बात करते हैं, हमारे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद थोड़ा सा इंग्लिश की वजह से जो है वो घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है प्रोफेसर्स क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम क्या अंग्रेजी की वजह से क्या अपने सपनों के साथ समझौता कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको 3 से 4 महीने में हम सीख सकते हैं। और हमारी जो डिग्री होती है, फार्मेसी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, एग्रीकल्चर की डिग्री, एमबीए की डिग्री, 2 से 3 या 4 साल में होती है, और उसमें आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। आप सबको पता है कि इंजीनियरिंग की फील्ड लाखों, इंजीनियरिंग की फीस लाखों रुपए होती है, मेडिकल की फीस लाखों रुपए होती है ना, कोई सी डिग्री आप ले लीजिए। तो ये लाखों रुपए हम जो 3-4 साल में खर्च करते हैं, तो उसमें हम जब डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों होती है इंग्लिश से। अगर हम हिंदी मीडियम से हैं या हमारा मीडियम ऐसा है जिसमें हम मन से नहीं लिख सकते, क्योंकि दोस्तों 12th तक तो हम क्या करते हैं, जब हम हायर सेकेंडरी तक आते हैं तब तक तो हम रट्टा मार के पास हो जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसके बाद जब हमारी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ हम आंसर्स को रट्टा नहीं मार सकते, हम कंसेप्ट को समझते हैं और कंसेप्ट को समझने के बाद अपनी भाषा में लिखते हैं। लेकिन जब अपनी भाषा में हमने समझा, लेकिन लिखना अगर उसे इंग्लिश में हो तो कैसे लिखेंगे? वी शुड हैव दैट मच नॉलेज दैट वी कैन राइट इन इंग्लिश। हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको इंग्लिश में लिख पाएं, और उसके लिए हमें इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इतना सारा पैसे का इन्वेस्टमेंट, इतने सारे सपने कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, और इंग्लिश की वजह से अगर हमें कहीं ऐसा लगे कि अरे यार मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, हमारे मार्क्स कम आ रहे, तो गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, कई स्टूडेंट्स में मिला हूँ जिनको नॉलेज बहुत कम होता है, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी होती है,
इंग्लिश में कॉपी में लिख के आ जाते हैं एग्जाम्स में और उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और ऐसे कई हमारे हिंदी मीडियम के भाई या बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, जिनके पास नॉलेज तो बहुत होता है, कंसेप्ट भी आता है, लेकिन अपनी थॉट्स को इंग्लिश में लिख नहीं पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट में लिखें कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। दोस्तों इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी ऐसे कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं जिनमें इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा या आपकी किताबें इंग्लिश में होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि गलती कई स्टूडेंट्स कर चुके हैं, फिर हज़ारों लाखों रुपए फीस भर देंगे और फिर डिग्री छोड़ देंगे या फिर उसमें कम मार्क्स ला के फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 से 3 महीने में अंग्रेजी सीखना है। क्या करना है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश इन 2 or 3 months। 2 से 3 महीने में आप अंग्रेजी सीख जाओगे। इसका कारण क्यों है, क्योंकि अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के हैं तो डेफिनेटली आपका कैचिंग पावर अच्छा होगा। तो आप अगर 2 से 3 या 4 महीने अगर हमें दे सकते हैं तो आप हमें दीजिए, हम आपको घर बैठे इंग्लिश सिखाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि फार्मेसी वाले की अगर हम कॉलेज का टाइम देखें तो सुबह से लेकर शाम तक होता है, इंजीनियरिंग वाले का जो टाइम होता है सुबह से लेकर शाम तक होता है। सभी बच्चे कॉलेज में सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहते हैं, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, बीबीए वाले। अब सुबह से देखिए शाम तक आप कॉलेज में है तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है कि आप कोचिंग जा पाएं, आप कहीं पर ऑफलाइन कोचिंग जा। इसीलिए ऑनलाइन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे पास आज कोचिंग ले रहे हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि आप भी अगर इस फील्ड में जाने वाले हैं उससे पहले इंग्लिश की तैयारी चालू कर दें। 2 से 3 महीना आप रोज़ 1-1 घंटा दीजिए, 1 आवर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और आपकी जो लिखने की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि मास स्टडी पर हमारे साथ ऐसे कोर्सेज के साथ हम डील करते हैं जहां पर हम बच्चे को बेसिक के साथ साथ लिखना भी सिखाते हैं कि इंग्लिश में कैसे लिखोगे। इसलिए हम स्टोरी राइटिंग करते हैं, इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग सिखाते हैं बच्चों को, हम उसको बच्चों को कॉन्वर्सेशन करवाते हैं लाइव क्लासेस में। तो काफी कुछ प्लान किया है। इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग या बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अल्टीमेटली आप कोई भी डिग्री करना चाहते हो, अगर आपको इंग्लिश सीखना, अगर आपको लगता है कि नहीं सर की बात बिल्कुल सही है, मुझे इस फील्ड में जाने से पहले अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और मैं 3-4 महीने 1-1 घंटा दे सकता हूं, तो आप हमारा मास स्टडी पर बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको 6 महीने का हम कोर्स देंगे, 6 मंथ लंबी ड्यूरेशन होती। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं 2 से 2.5 या 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको 0 से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, आपका लेवल आप खुद तय कर सकते हैं, आपको बेसिक पढ़ाएंगे, आपको एडवांस पढ़ाएंगे, आपको 2 मंथ्स प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे मैं अपनी कोचिंग में ऑफलाइन बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ 1-to-1, ऐसे लाइव प्रैक्टिस करवाएगा, टीचर आपके प्रोनंसिएशन पर ध्यान देंगे, आपको डेली नोट्स मिलेंगे और कंप्लीट सिलेबस होगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको वेट नहीं करना है, मैं नहीं चाहता हूँ या आप भी नहीं चाहेंगे कि हज़ारों लाखों रुपये जो आपने अपनी डिग्री में खर्च किए हैं वो ऐसे ही चले जाए और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। इसलिए व्हाट यू नीड टू डू गाइस, अभी आपको जो है क्या करना है, मास्टर डी ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप खुद भी वहां से जो है गूगल पे या फोन पे से अपने जो अपने हिसाब से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया है उस नंबर पर कॉल करके आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ और भी बातें मैं बताना चाहता हूँ जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। सो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो ये जो कोर्स है 6 मंथ का, इसे कैसे इनरोल करेंगे। सबसे पहली बात हमें समझना है कि देखो इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। कई लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इसलिए बोलने के लिए हमें बात करनी पड़ती है, और अंग्रेजी लिखने के लिए हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और राइटिंग के लिए आपको ऐसी ऐसी मेथड्स हम बताएंगे बेसिक कोर्स जब आप हमारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने कोर्सेज को 3 भागों में डिवाइड किया है। 2 मंथ्स हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे जिसमें आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग करेंगे, 2 मंथ हम आपको एडवांस पढ़ाएंगे, और फिर 2 मंथ आपको स्पीकिंग भी सिखाएंगे। क्योंकि अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग या बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ओबियसली आपके कैंपस आएगा, जब आपके कॉलेज में आपके कॉलेज में जब कोई इंटरव्यू के लिए आएगा, जॉब के लिए आएगा कि आपको जॉब देना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, तो वहाँ पर भी जो आपका इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा। क्योंकि पढ़ाई जो आप ये जो फील्ड्स होती है ना दोस्तों, ये फील्ड ही इंग्लिश में होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इंग्लिश सीखें, और ये 6 महीने का जो कोर्स है इसे आप जल्दी भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हमें जल्दी सीखना है, तो हम उन्हें डबल क्लास देते हैं, 1 दिन में 2 या 3 क्लास देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो सीख जाए दोस्तों। तो और वैसे तो बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई या बहन हैं जिनको
सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या है कि इंग्लिश के डर के कारण कई बार वो एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियों में और वो डर जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने सपने साकार करने, आपको दुनिया की किसी भी डिग्री में, किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना है ले लीजिए, किसी भी फील्ड में जाना है चले जाइए, बस इंग्लिश सीख लीजिए। इंग्लिश सीखने के बाद दुनिया आपकी होगी, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, आप जो लिखेंगे सामने वाले को समझ में आएगा, और सामने वाले को समझ में आएगा तो ही विल गिव यू मार्क्स, और उसके बाद आपकी लाइफ बेटर होगी, आपके इंटरव्यूज अच्छे होंगे और आप एक बेटर लाइफ की ओर चले जाओगे और दुनिया के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों सोचते रहने से इंग्लिश नहीं आती, कई बार हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है, आती नहीं है, आती नहीं है, आती नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सोचने को बंद कीजिए और आज डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद इंग्लिश सीखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी, बेहतर एजुकेशन मिलेगा और आप यहाँ से डेफिनेटली सीखेंगे, और हम आपकी स्टोरी यूट्यूब पर बताएंगे कि देखो इन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, हमारे साथ इंग्लिश सीखी और आज ये यहाँ पर है। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आप अपने सपनों के साथ समझौता ना करें, आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड जाएं, और इंग्लिश सीखना है तो मास्टरडी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमें कॉल करें, हम आपको एडमिशन देंगे और आपको बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा इंग्लिश सिखाएंगे। कॉल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। नीचे लिंक दी है मास्टरडी ऐप की, वहां जाकर आप जो है वीडियो अपना मास्टरडी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इतना, फिर भी कोई मन में कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, यू कैन कॉल अस, लाइक जरूर करें, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, मास्टरडी ऐप का पेज बना हुआ है, मास्टरडी यूट्यूब ऐप का पेज बना हुआ है, उसे भी फॉलो करें, और मुझे पर्सनली भी कमलेश यादव के नाम से फॉलो करें। आज के इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में।